दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और मेरी जो वैष्णो देवी की ट्रिप थी वो समाप्त हो चुकी है, उसकी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाइए, वीडियो देखिए, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वैष्णो देवी ट्रिप के नाम से, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रिप पर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि मेरा वहाँ क्या क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो, कि अगर हम किसी ट्रिप पर जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, क्या क्या कहाँ कैसे कैसे होगा। तो ये चीज़ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा आपका हो सकता है। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ के बारे में। देखिए, अगर आने जाने की बात करें तो आने जाने को मैं एक्सक्लूड करता हूँ, क्योंकि आने जाने का किराया सबका अलग अलग होता है। मैं गया था मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद से जो जम्मू तक का किराया था वो 385 रुपये था सुपरफास्ट का, सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसका 355 रुपये स्लीपर क्लास का। और दिल्ली, किसी ने मुझसे पूछा था कि दिल्ली से कितना है, तो नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा तक का किराया है 385 रुपये। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि निज़ामुद्दीन, प्राइम दिल्ली, नई दिल्ली या आनंद विहार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20-30 रुपये इधर या उधर, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। किराए को थोड़ा अलग रखते हैं क्योंकि ये सबका अपना अलग अलग ही होता है। आपका हो सकता है 1000 रुपये हो या और दूर से आ रहे हो और ज़्यादा हो, और ये ट्रेन बाय ट्रेन भी वेरी करता है। मैं स्लीपर क्लास से गया था, तो स्लीपर क्लास का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप एसी में सफ़र करेंगे तो उसका और ज़्यादा होगा। या जो अलग अलग कैटेगरी की ट्रेन है, राजधानी है, हम सफ़र है, तो इन सब का किराया अलग अलग होता है। इसलिए इस किराए को छोड़कर बाकी जो खर्चा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इधर से तो बताया आपको मुरादाबाद से जम्मू 385 रुपये उसके बाद। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर आप वैष्णो देवी तक, कटरा तक अगर ट्रेन आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो जम्मू से बस से चले जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप श्री माता वैष्णो देवी जो स्टेशन का नाम है वहाँ तक आपको ट्रेन मिले, क्योंकि वहाँ से फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाई चांस आप जम्मू तक जाते हैं तो जम्मू से बस से कटरा जाने में इधर से हमारे लगे थे 60 रुपये, और एक इंटरेस्टिंग बात, उधर से 50 रुपये, इधर से जम्मू से कटरा 60 रुपये और उधर से किराया था 50 रुपये, पता नहीं क्यों। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये तक का सही होटल मिल जाएगा, सही बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, मीडियम, ना ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा ख़राब, ठीक ठाक रूम होता है। जैसे ही हमारी बस यहाँ से पहुँची, जो बस अड्डा है कटरा का, तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो मतलब लोकल होते हैं ना, जो होटल के जो उन्होंने लगा रखे होते हैं लेके आने के लिए ट्रैवलर्स को, तो वो इस तरह से बस में चढ़े, हमें लगा पता नहीं किसी में लड़ाई तो नहीं हो गई। जैसे अगर किसी लड़ाई हुई हो और किसी ने बताया हो कि वो उस बस में आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चला कि ये लोग यहाँ कैसे करते हैं। कटरा पहुँचने के बाद अब बात आती है रुकने की। तो जो होटल है, एक बजट होटल आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। आप बस से, अगर बस स्टॉप पहुँचेंगे या ट्रेन से स्टेशन पहुँचेंगे, तो आपको होटल के जो लड़के होते हैं वो वहीं मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के साथ, और उनके पास एक एल्बम होगी, उसमें उनके होटल के और रूम के फ़ोटो होंगे। आप रूम देखिए, फ़ोटो देखिए रूम की, अगर अच्छा लगता है बात कीजिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, अगर सही लगता है तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग होती है। हमें थोड़ा सस्ता पड़ा था, उसने बताया महंगा था, तो वो आपको, चाहे आप बस स्टॉप जाइए या स्टेशन जाइए, तो अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, और फिर जब आप वहाँ से चेकआउट करेंगे तो अपनी गाड़ी में आपको वापस छोड़ेंगे। अगर आपको स्टेशन जाना होगा तो स्टेशन, अगर बस स्टॉप जाना होगा तो बस स्टॉप। हमारा जो रूम था वो था 500 रुपये का, और रूम भी ठीक था, एसी थी, लेकिन वहाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाथरूम में गीज़र था, अटैच टॉयलेट बाथरूम थे, रूम भी अच्छा था। और उसके बाद हम अगले दिन को, हम जब थोड़ा घूम रहे थे, असल में दर्शन करने जा रहे थे, तो हमको रास्ते में थोड़ा जो होता है ना, होटल के बाहर आवाज़ लगाते हैं, तो 250-150 रुपये तक का वहाँ पे था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो रूम अच्छा होगा, इसलिए आप उसको अवॉइड करें तो ठीक है। अब मान के चलें कि 500 रुपये आपको अच्छा रूम एक मिल जाएगा। हम यहाँ से रात को पहुँचे थे, और जो होटल का लड़का था वो हमें अपनी गाड़ी से ले गया था, और उसके बाद हम रात को हमने आराम किया, और सुबह हम फिर दर्शन करने के लिए निकल गए थे। उसके बाद वहाँ जो भी प्रसाद वगैरह का है वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था। और जो वहाँ, अगर आप नीचे से भवन तक जाना चाहते हैं, तो जो बहुत सारे तरीके हैं, आप पिट्टू कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं, तो उनका किराया भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए।
और फिर साथ का 100, 200 या 500 रुपये तक का, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसमें इतना कोई नहीं है। अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा जो वहाँ पालकी वगैरह का होता। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो मजबूर है जाने के लिए पालकी से या पिट्ठू वगैरह से, तो मजबूरी है, वरना पैदल ही जाएँ तो बहुत अच्छा है। और वहाँ रास्ते भर में जो खाने पीने की जो भी चीज़ें मिलती हैं, नॉर्मल जो सब जगह होती हैं वही होती हैं। वहाँ भैरव बाबा पर पहुँचने के बाद एक होटल है, वहाँ हमने खाए थे कड़ी, वहाँ पर होटल है कड़ी चावल या राजमा चावल जो भी आप खाना चाहें। नॉर्मली जो प्लेट सब में होती है 40 रुपये 50 रुपये हाफ प्लेट, वही वहाँ पे थी, इसलिए खाने की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास महंगाई वहाँ पे नहीं है। उधर से वापस होते समय हमने अखरोट खरीदे थे जो कि सही भी रहता है, वहाँ की सभी लोग कहते भी हैं कि अखरोट लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना, तो वहाँ का लोकल होता है तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ जाके बहुत ही सस्ता होगा, मतलब ये चीज़ें जो हैं उधर की तरफ मिलती हैं तो वहाँ बहुत सस्ती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो औरों को मिलती हैं वही आपको मिलती हैं, सभी के लिए एक सा ही है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आपको बोरी भर के दे देंगे कम पैसों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बिजनेस पर्पज़ है तब तो अलग बात है, वो आप थोक विक्रेता से खरीदेंगे और वो आपको सस्ते में पड़ेगा क्योंकि आप बिज़नेस के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे फुटकर में खरीद रहे हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, नॉर्मल जो है सभी में। हमने जो अखरोट खरीदे थे वो हमको पड़े थे 220 रुपये किलो अखरोट, अलग अलग आपको अखरोट की कई वैरायटी वहाँ पर मिलेंगी, तो जो हमें पड़े थे 220 रुपये किलो वो मीडियम थे, बाकी उससे नीचे किसी में फल नहीं होता, किसी में कुछ, किसी में कुछ और ज़्यादा महंगे उससे ऊपर भी थे, लेकिन 220 में नॉर्मल थे। इसलिए जब आप जाएँ तो ये मत सोच के जाएँ कि आपको 100 रुपये में बोरी कोई वहाँ पे भर देगा। बाकी और शॉपिंग हमने कुछ खास नहीं की, बाकी रेट जो मैंने पूछा था वो सब जगह नॉर्मल ही है, खाने पीने का सब सब जगह होता है भाई वहाँ पे था। हाँ, ऐसी जगह थोड़ी महंगाई होती है, जैसे अगर आप वहाँ धार्मिक जगह जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह लेकर आएंगे तो वो तो महंगा होता ही है। ऐसी जगह चाहे आप वैष्णो देवी जाएँ या पूर्णागिरी जाएँ या हरिद्वार जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो ये चीज़ पे तो महंगाई रहती है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा इतना तो महंगा रहता है। और जो खाना है, खाने की अगर हम बात करें तो जो सब जगह वही वहाँ पर कोई ख़ास महंगाई नहीं है। लोगों को लगता है कि वहाँ जम्मू कश्मीर जा रहे हैं बहुत महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना महंगा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है तो महंगा भी नहीं है, मीडियम ही है। जो हमने खाना खाया था उसमें 70 रुपये या 60 रुपये वही जो हर जगह होता है 60, 70, 80 हाफ प्लेट, दाल मखनी हो या मिक्स वेज हो, और रस रोटी थी 6 रुपये की, तो जो सब जगह वही वहाँ पे है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप 150 रुपये में आराम से पेट भर सकते हैं। हाँ, सेब मुझे वहाँ पे थोड़ी ज़रूर सस्ती लगी यहाँ के मुकाबले, उस समय यहाँ 70-80 चल रहे थे तो वहाँ 50 को हमने पूछा था 50 रुपये किलो थे। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरी पेटी लेकर आ रहे हैं, तो आप हो सकता है आपको और भी सस्ते पड़ जाएँ, तो ये तो मुझे थोड़ा लगा कि सेब सस्ता है। बाकी और जो खर्चे हैं वो आपके अपने पर्सनल होंगे, अगर आप शॉपिंग कहीं करते हैं तो वो सबकी अलग अलग होती है, कोई नहीं करता, कोई करता है, कोई ज़्यादा करता है कोई। तो हमारा जो खर्चा हुआ था 400 इधर से, 400 उधर से किराए के जो ट्रेन में था रिजर्वेशन, 800 रुपये ये, और 2 दिन के लिए 500 का रूम था, 1000 रुपये वो, 1800, बस में 100 रुपये लगा लीजिए 1900, और खाने का 1000 रुपये, 2900, 3000 के लगभग एक बंदा आराम से घूम सकता है। अगर आप वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3000 में आप, 3000 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का हो सकता है ज़्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन हमारा 3000 में हो गया। अगर आप बजट में ट्रैवल करते हैं 2 दिन के लिए तो आपका 3000 में मुझे लगता है आराम से हो जाना चाहिए। और आपको ऐसा तो कुछ है नहीं फिर कि अगर हमारा कहीं खर्चा 2000 रुपये का होना है तो हम 2200 रुपये ही लेके जाएँ या 2500 तक लेके जाएँ, अपना इंतज़ाम बना के हर कोई चलता है। इसलिए 3000 रुपये में अगर आप बजट में करना चाहते हैं तो बड़ी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप और कुछ चाहते हैं, ज़्यादा शॉपिंग, अच्छी शॉपिंग, और या कहीं और कुछ घूमना चाहते हैं और कहीं कुछ और खर्चा करना चाहते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका खर्चा जो कितना भी बढ़ जा सकता है। लेकिन अगर अगर हम बजट ट्रैवलिंग की बात करें तो आने और जाने का किराया निकाल के 3000 रुपये में आप वहाँ से दर्शन करके 2 दिन में आराम से लौट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि अगर आप में से कोई गया है तो आप लोगों का कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ होटल में आने जाने में, या और आपने किस जगह खर्चा किया, तो उससे और लोगों को भी पता चलेगा।
इस वीडियो में मैंने जो खर्चा बताया है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका भी उतना ही खर्चा होगा, आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से प्लान करें। बस आपको एक रफ आइडिया ज़रूर मिलेगा इस चीज़ से। आप जब भी ट्रिप बनाएं तो अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान करें। आप जितना खर्चा करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप उसको प्लान करिए, वही बेटर रहेगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप घूमने के फिरने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जो आपको घुमाएंगी हर जगह। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ किसी अगली ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय।